खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया का कहना है कि पशुधन की बीमा योजना को पशुपालकों के बीच लोकप्रिय बनाया जाएगा, पशुपालकों को योजना के फायदों से अवगत करवाया जाएगा। पशुपालन मंत्री ने पंत कृषि भवन में पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान पशु चिकित्सालयों में स्टाफ की स्थिति, दवाओं की उपलब्धता और अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर कृषि मंत्री कटारिया ने कहा कि कृषक और पशुपालक सीएम अशोक गहलोत की प्राथमिकताओं में है और इस बार भी अलग से कृषि बजट पेश होगा। बैठक में पशुपालन विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल, मंत्री के विशिष्ट सहायक विभु कौशिक सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने आज पंत कृषि भवन में पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान विभाग की जो विभागीय योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई है और किस किस तरह से क्या रिजल्ट रहे हैं सर मीटिंग के, थोड़ा सा आपसे जानेंगे। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई सर, क्या प्रोग्रेस चल रही है विभागीय योजनाओं? देखिए, समय समय पर हमारे विभाग की समीक्षा बैठक हम लेते रहते हैं। हमारी जो बजट घोषणाएं हैं, हमारी जो अनुदानित पॉलिसी है जो पशुपालकों को लाभ पहुंचाए और जो कार्यक्रम हमने दिए विभाग को, उनकी समीक्षा करके जैसे लंपी आई तो लंपी के बाद में अभी खुरपका और मुंहपका जो रोग होता है पशुओं में, उसके टीकाकरण की बात है, उसमें हमने टारगेट लेके समयबद्ध तरीके पे उसको पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया है। हमने पशुओं का बीमा चालू कर दिया है, उसमें भी हमने प्रगति की समीक्षा की है कि जो पशु बीमा चालू किया गया है उसकी क्या रफ्तार है, लोग कितनी रुचि ले रहे हैं उसमें, पशुपालक वगैरह उसका प्रचार प्रसार क्या है। हमारी जो फ्री दवाएं हैं जो मुख्यमंत्री जी की एक अहम वो है कि आदमियों के साथ में जानवरों की दवाएं फ्री कर रखी है 138 तरह की, वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात की गई है। हमारे जो उपकेंद्र हैं उन पर LAC कितने हैं, कितने खाली हैं, हमने जो नई बिल्डिंग्स उनकी बनानी है उसके बारे में चर्चा करी है। इस प्रकार सारे विभाग के जितने भी और योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं NLM वगैरह, इनकी समीक्षा की है ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। तो काफ़ी लंबी विस्तार से चर्चा हुई है। बजट सत्र आ रहा है नया, क्या किया जा सकता है, क्या सुझाव है लोगों के, ये सब बातें हमने की। एक तरफ सर पशु चिकित्सक धरने पर हैं, दूसरी तरफ पशुधन सहायक भी हैं, तो काम कैसे होगा सर, विभाग का टीकाकरण कैसे होगा? देखिए, हमारे विभाग के कर्मचारी हैं, परिवार है एक तरह का, और उनकी मांगे हैं, काफ़ी समय से डिमांड रही है। मुख्यमंत्री जी के नोटिस में एक दो दिन में फैसला हो जाएगा। निजी बैंकों की ऋण माफी वाला मामला काफ़ी समय से उलझा हुआ है, तो किसान बाढ़ जो रहे हैं, तो क्या इस बार कोई तोहफा मिल सकता है चूँकि आखिरी बजट है सरकार? उसके बारे में देखो, वो सहकारिता के अंदर आता है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के मन में किसान के प्रति हमेशा आदर का भाव रहा है और वो ये चाहते हैं कि राजस्थान का किसान मजबूत, उसके परिवार में खुशहाली रहे, आर्थिक रूप से मजबूत हो और उसकी ताकत बढ़े। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, उन्होंने कहा है कि किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध करना ही राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है और इस बारे में लास्ट बजट जो है इस सरकार का, उसमें भी निश्चित रूप से विशेष प्रयास किए जाएंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।